एक तरफ कश्मीर घाटी से हर दिन कोई न कोई घटना सामने आती है, जिसमें हर दिन किसी न किसी के शहीद होने, घायल होने और मौत की खबर सामने आती है। इतना सब कुछ सहन करने के बावजूद घाटी के युवाओं की अगर बात की जाए तो वह पढ़ाई में ही नहीं, खेल कूद में भी अपना नाम कमाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि युवाओं में कितना उत्साह देखा जा रहा है। कड़ी मेहनत के बाद युवा किसी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि घाटी के हालातों के मद्देनजर रखते हुए आप देख सकते हैं कि युवा अपने घरों से बाहर निकलकर आए हैं और खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है। देखिए, बड़ों के साथ साथ लड़कियां और छोटे बच्चे भी अपना हुनर दिखाने में पीछे नहीं हो रहे हैं। तो वहीं इनका कहना है कि चाइना में कैंप लगा था, जिसमें घाटी के युवा ने ब्राजील में अपना अच्छा प्रदर्शन किया। बच्चों को वुशु और मार्शल आर्ट की बारीकियां सिखाई जा रही हैं, जिसमें युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मैंने देखा कि वुशु में अभी हमारा लड़का, जिसका चाइना में कैंप लगा हुआ था और ब्राजील में वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गया हुआ था, तो अच्छी परफॉर्मेंस दी उसने। तो आगे आगे ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे भी सब जूनियर जूनियर में हमारे निकलने वाले हैं, जो वर्ल्ड लेवल तक बच्चे जाएंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को लेके, जैसे और मार्शल आर्ट में दो चार और स्पोर्ट्स है, उनको भी हम आगे ले रहे हैं, तो रिजल्ट्स इंशाल्लाह आगे आगे बहुत सारे आ जाएंगे। उसी के साथ इनका कहना है कि स्पोर्ट्स सिर्फ खेल कूद तक नहीं रहा, वैसे तो बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और भी कई ऐसी श्रेणियां हैं जिसमें युवा जाते हैं, लेकिन आज के दौर में बच्चों का रुझान खेलों की तरफ बढ़ रहा है। स्पोर्ट्स में अब आप देखिए, आरईसी में बच्चे जाते हैं, एमबीबीएस में बच्चे जाते हैं, इंजीनियरिंग में बच्चे जाते हैं, प्रोफेशनल कॉलेजों में हमारे बच्चे जाते हैं, बाज़ाब्ता स्पोर्ट्स में कैटेगरी है, स्पोर्ट्स में एसआरओ है। तो ये सब चीज़ें जो है स्पोर्ट्स में, जितना सबसे बड़ी बात एक फिजिकल फिटनेस है, स्पोर्ट्स में आदमी फिट रहता है। और मेंटल स्ट्रेस है पढ़ाई में, आजकल बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स के और आ रहे हैं और हम भी उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। इंडोर स्टेडियम में बच्चे आ रहे हैं, जहाँ पे 500-400 बच्चे आते थे, आज की डेट में वहीं 2,500 बच्चे हमारे पास यहाँ पे आते हैं और डिफरेंट स्पोर्ट्स में अलग अलग हमने उनको बिजी रखा। वहीं युवाओं का ये भी कहना है कि जब से युवाओं का चयन होना शुरू हुआ है, उससे युवाओं की रुचि खेलों के प्रति बढ़ने लगी है। जी सर, जब से हमारे ये प्लेयर यहाँ से गए हुए ब्राजील वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तब से जो इंटरेस्ट था इस गेम में, तब से ज़्यादा ये हो रहा है, तब इससे पहले नहीं था। और इससे 2.5 साल पहले हमने जो ये गेम शुरू की थी, हमारे सर ने इससे पहले भी एक कोच करा, मगर फिर एक कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बैठ गई थी, मगर जब से हमारे रमेश सर हमने हमें ज्वाइन किया है, तब से ये गेम हमारे लाइफ में आ रही है और इसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। और इंटरेस्ट सिर्फ डेली लाइफ में नहीं बढ़ रहा है, इससे हमारा एजुकेशन में, घर के काम में एक्टिविटीज़ हमारी कंटिन्यू हो रही है। और जब से हमारे नवीद भाई जो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट है, हमारे प्लेयर है फिलहाल यहाँ पर, जो वुशु अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उनने हमारा इस वक्त नाम जो हमारे वुशु एकेडमी का था, उनने आगे पहुँचा। बेटियों का कहना है कि जिस तरीके से वुशु खेल कश्मीर के अंदर उभर रहा है, तो इससे इन्हें काफी फायदा हो रहा है। उनका ये भी कहना है कि जो उन्हें ये खेल सिखा रहा है, वे खुद इंटरनेशनल खेलकर आया हुआ है। जी, बहुत अच्छा लगता है। वुशु जो है ये ग्रो हो रही है कश्मीर में, जैसे फुटबॉल, हॉकी सब ग्रो हो रहा है कश्मीर में, तो वो वुशु भी ऐसे बहुत चल रहा है। वुशु ये कश्मीर में बढ़ रहा है वुशु, तो हमारे जो अभी नवीद है ये हमारे साथ ही प्रैक्टिस करते थे, तो ये अभी जब इंटरनेशनल खेल के आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। ब्राज़ील में जो ये इंटरनेशनल खेल का है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमारी कोचेस भी हम पे बहुत मेहनत करते हैं, आगे जाके हम भी इंशाल्लाह बेस्ट देंगे अपना और हम भी वहाँ तक पहुँचेंगे। चलिए अब आपको उस युवा से मिलाते हैं जो इन सभी युवाओं के लिए रोल मॉडल बना हुआ है, दिखाते हैं कैसे इन्होंने इस मुकाम को पाया। इंडिया कैंप के बाद मतलब अभी बोला नहीं कि फाइनल टीम क्या है, तो फिर वहाँ कैंप अटेंड किया, तो उसके बाद हमारा बोला कि इंडिया टीम में ये बच्चे हैं, तो मेरा नाम आया, तो फिर मैंने कोच को बोला मेरा नाम आया इंडिया टीम में, तो वो भी खुश हो गए। मक्सू सर को बोला तो
उसके बाद हमें चाइना ले गए। तो फिर मैंने कोच को बोला, तो उसके बाद हमें चाइना ले गए कैंप के लिए, एडवांस ट्रेनिंग कैंप। तो हमने चाइना में कैंप किया तो बहुत एक्सपोजर मिला वहाँ पे हमें, तो उसके बाद हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए गए। जी जी, तो ज़्यादातर हमें चाइना में ले गए, चाइना में हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला, मतलब डिफरेंट टेक्निक्स, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स, जो मतलब हाई लेवल की टेक्निक्स होती है वो वहाँ पे हमें मिले। टेक्निक होती है किक कैसे मारते, अटैक कैसे लेना है, मतलब वो टेक्निक हमें मिले। फिर ब्राज़ील गए, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोजर मिला हमें खेलने के बारे में। तो अभी तो कम टाइम हुआ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, अब हमारी एशियन चैम्पियनशिप आ रही है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। बहुत खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश है कि मतलब वो ये हमारा बच्चा वहाँ तक पहुँचा, मतलब बहुत खुश हूँ मैं कि मैं वहाँ तक पहुँचा। कैसे मैं वहाँ तक पहुँचा, वो भी मैं पहुँचा अपने कोच की मेहनत की वजह से। जो कुछ भी हूँ मैं अपने कोच की, पहले तो ऊपर वाले की वजह से, फिर अपने कोच की वजह से, और मकसूद सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे। मैं जम्मू गया, मेरे साथ आए ट्रायल के लिए, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते, और कुलदीप भांडू सर वो चीफ कोच है, उनने भी वहाँ पे बहुत सपोर्ट किया। वहीं कोच का कहना है कि बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। जब से वापस आ गए ब्राज़ील से, एक तो हमारा रोल बढ़ गया, और अगर बच्चे लेट आते थे, जब से इन्होंने सुना कि हमारा एक मेट, क्लासमेट जी नवीद यहाँ पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए गया, ये और मेहनत करने लगे। तो अगर ऐसी इंशाल्लाह हमारे बच्चे सिलेक्ट हो गए वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, तो इंशाल्लाह और मेडल आने के चांसेस हैं। यस सर, जॉब है सर, इसमें जॉब है सर। अगर हम सीनियर नेशनल में मेडल निकालेंगे, अगर हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वालिफाई करेंगे, अगर हमारी ग्रेजुएशन कम्प्लीट होगी, तो इसमें जॉब है सर भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर युवाओं को प्लेटफॉर्म दिए जाएंगे तो युवा सही रास्ते पर चलकर अपने भविष्य को संवार सकते हैं। आशा सरमाल की रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज़।